हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। तो आज हम लोग प्रूफ करना सीखेंगे कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है। ऐसे तो इस क्वेश्चन को हम लोगों ने इससे पहले भी बनाया हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम अब शुरू होने वाला है, इसीलिए अब से हम लोग हर दिन एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का रिविज़न करेंगे ताकि आप लोग का प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% फिक्स पूछा जाता है, रूट फाइव या फिर रूट थ्री, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन हम लोग का एग्ज़ाम में रहता ही है। तो किस तरह से प्रूव करेंगे, तो चलिए देखते हैं। हम लोग जब भी पूछा जाए कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है या फिर रूट थ्री एक इरेशनल नंबर है, तो जब भी इरेशनल प्रूव करने के लिए रहता है तो इसमें हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड जो होता है यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग मान लिए हैं कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन हम लोग मान लिए हैं, इसलिए लिखे हुए हैं लेट अस प्रूव रूट फाइव इरेशनल बाई कॉन्ट्राडिक्शन। इसके बाद आगे लिखा गया है लेट अस सपोज दैट रूट फाइव इज़ रेशनल। तो जब हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मान लिए हैं और हम लोग को प्रूव करने के लिए दिया गया है कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सपोज कर लिए कि ये एक रेशनल नंबर है। इट मीन्स दैट वी हैव को प्राइम इंटीजर्स ए एंड बी, वेयर बी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे जब अगर ये रेशनल नंबर हो गया तो ए और बी के फॉर्म में यह रहेगा, ए बाई बी के फॉर्म में यह रहेगा, और ए और बी क्या रहेगा, को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं, तो जिसका एस सी एफ निकालने पे वन आए। तो जब ये रेशनल नंबर हो गया तो रूट फाइव का वैल्यू ए बाई बी हो गया। इसके बाद हम क्या किए, यहाँ पे बी को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इधर कर दिए। इसके बाद अगर हम लोग दोनों साइड अगर स्क्वायर करेंगे तो इधर हो जाएगा बी स्क्वायर, और रूट फाइव का अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो फाइव हो जाएगा। तो फाइव बी स्क्वायर हो जाएगा और इधर ए स्क्वायर हो गया, और इसको हम इक्वेशन वन मान लिए। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं कि इट मीन्स दैट फाइव इज़ ए फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, हेंस फाइव इज़ ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए बाई थ्योरम टू। आप लोग के किताब में होगा, एनसीईआरटी किताब में थ्योरम टू, जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो इस थ्योरम के अनुसार यदि फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है तो फाइव बी फैक्टर होगा ए का। इसके बाद हम लोग आगे के सॉल्यूशंस को इसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद आगे यहाँ पे दिया गया है इफ़ फाइव इज़ ए फैक्टर ऑफ ए, यदि फाइव ए का फैक्टर है, इट मीन्स दैट वी कैन राइट ए इज इक्वल टू फाइव सी फॉर सम इंटीजर सी। यदि फाइव ए का फैक्टर है तो ए इज इक्वल टू फाइव सी हम लोग इस तरह से मान लिए हैं। अब ए इज इक्वल टू फाइव सी हम लोग इक्वेशन वन में जब पुट करेंगे तो यहाँ पे फाइव बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25c² हो गया। यहाँ पे ए था तो ए के जगह पे हम लोग फाइव सी पुट किए तो फाइव का स्क्वायर 25 हो गया और यहाँ पे सी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे कैंसिल जब करेंगे, फाइव का टेबल में 25 फाइव बार में आ गया तो बी स्क्वायर का वैल्यू 5c² हो गया। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इट मीन्स दैट फाइव इज ए फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, हेंस फाइव इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ बी बाई थ्योरम थ्री। अब आगे है फ्रॉम इक्वेशन टू एंड थ्री, इक्वेशन टू और इक्वेशन थ्री से हम लोग कह सकते हैं वी कैन से दैट फाइव इज ए फैक्टर ऑफ बोथ ए एंड बी, बट ए एंड बी आर को प्राइम, लेकिन ए और बी क्या था, को प्राइम नंबर था, इसीलिए देयर फोर आवर एजम्पशन वाज रॉन्ग। इसलिए जो हम एजम्पशन किए थे कि रूट फाइव एक रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग साबित होता है। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि रूट फाइव रेशनल नंबर नहीं होगा, हेंस इट इज़ एन इरेशनल नंबर।